तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, कैसे आप सभी लोग? और पिछले वाले एपिसोड में हमने किया था सूरत से गोधरा तक, ठीक है, जो था 11 लेवल, जो हमने वैफ 7 के साथ पैसेंजर एक्सप्रेस को, मतलब पैसेंजर एक्सप्रेस के साथ ही एक साथ किया था सूरत से गोधरा। अभी करेंगे 12 लेवल को कम्प्लीट, जो कि है गोधरा से भलसाद तक। तो चलो गाइस, 4 स्टॉप से। और गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइव वीडियो को लाइक कर देना अच्छा लगे तो। और आपने अभी तक मुझे बोला नहीं, मतलब पिछले वाले वीडियो में मैंने बोला था कि मुझे, मतलब एक कस्टम रूट खेलूँगा, तो उसके लिए आपका परमिशन चाहिए, मतलब कहाँ से कहाँ तक खेलूँगा, आपको ओपिनियन चाहिए। तो किसी ने भी नहीं बोला, तो प्लीज़ इस वीडियो को देख के प्लीज़ भाई बोल देना कि कहाँ से कहाँ तक करें, नहीं तो कल को मैं एक वीडियो लेकर आ जाऊँगा। तो गार्ड जी हमारा ग्रीन झंडा दिखा दिया, तो गार्ड जी हमारा ग्रीन झंडा दिखा चुका है, हमारा सिग्नल भी ग्रीन हो चुका है, तो अभी स्टार्ट कर देंगे। तो 1008 मीटर के बाद आएगा भदोदरा, जो कि एकदम, मतलब गोधरा जंक्शन के, मतलब उसके बाद ही जो स्टेशन पड़ता है। तो गाइस, आप तो एक बात ही जानते हो कि WDG3A का जो मैक्स स्पीड है तो वो है 100, इसलिए तो मतलब आप जितना भी बढ़ा लो, एक्सीलेट कर लो, आपको 100 तक ही जाएगा। अगर 120 दे दिया तो 120 में आप जानते हो तो 100 तक ही जाएगा, तो कर देंगे फुल एक्सीलरेट। तो WDG3A के साथ कोई भी कैब व्यू ठीक से नहीं खेला तो एक स्टेशन कैब व्यू हो जाता है गाइस। तो गाइस, सभी ट्रेन के साथ ना कोई भी, मतलब वेफ 7 के साथ कैब भी हुआ, अब WDG3A के साथ कैब भी हुआ, वेफ 5 के साथ होगा, वेग 9 के साथ भी होगा, वेफ 4 के साथ भी होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, ट्रेन ना बहुत ज़ोर से वाइब्रेट हो रहा है, आप देख सकते हो कि हिल रहा है थोड़ा सा। तो सामने एक हमारा जो पहला ब्रिज आ चुका है गाइस, आप देख ही सकते हो। और नेक्स्ट हमारा जो स्पीड लिमिट है 70 का, तो डायरेक्ट 50 की कर लेंगे, क्योंकि देखो सामने ट्रैक चेंज भी होने वाला है हमारा। तो ब्रिज के बाद ही हमारा जो ट्रैक चेंज ही होगा गाइस, मुझे लगता है ऐसा। तो हम थे राइट वाले ट्रैक पर, और अब हम आ चुके हैं लेफ्ट में, उसके बाद भी लेफ्ट में ही जाएंगे शायद। हाँ गाइस, लेफ्ट में ही जाएंगे फिर से। तो गाइस, ये पहली बार हो सकता है कि हम ऑन टाइम हो यहाँ, तो मतलब लेट हो, ठीक है, या फिर ऑन टाइम या फिर लेट हो, मतलब देख ही सकते हो टाइम टेबल को, आप प्लीज़ देख लो, तो टाइम टेबल देख के आपको समझ आ जाएगा। देखो, ओवर स्पीडिंग भी हो चुका है, मतलब मैंने सोचा कि एकदम लेट नहीं करेंगे, लेकिन ओवर स्पीडिंग हो चुका है। तो गाइस, एकदम परफेक्ट टाइम और ऑन टाइम में हम पहुंच चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हो एकदम सेम टाइम पे हम पहुंच चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेशन जो है हमारा भारूच है, अभी डिपार्ट करेंगे गाइस यहाँ से ही। तो अभी अनाउंसमेंट हो रही है हमारा, तो अनाउंसमेंट होने के बाद हम चले जाएंगे यहाँ से। तो गाइस, अभी एक कैब भी हुआ एक स्टेशन के बाद, अब कैब भी नहीं, ऑर्बिट में ही करेंगे, क्योंकि ऑर्बिट में ही ज़्यादा अच्छा लगता है और उसका व्यू भी बहुत बढ़िया आता है।
आपको चारों तरफ देखना मतलब पड़ता है, मतलब चारों तरफ देखना मतलब देखते हो और अच्छा लगता है। लेकिन कैब व्यू में क्या होता है कि सब सिर्फ कैब व्यू और सामने की तरफ देख सकते हो, पीछे की तरफ एकदम नहीं देख सकते। तो गार्ड जी हमारा ग्रीन झंडा दिखा चुका है एकदम जोरों से। तो गाइस राइट साइड में एक वैफ 7 के साथ गुड्स एक्सप्रेस अभी जा रहे हैं, स्टेशन से डिपार्ट कर रहे हैं। अभी हम भी डिपार्ट करेंगे गाइस अभी। तो हॉर्न तो बजा दिया, अभी डिपार्ट करेंगे, एक्सीलेट को बढ़ाएंगे थोड़ा सा नहीं बहुत ही कर दिया। तो भदोदरा से हम डिपार्ट कर चुके हैं और हमारा नेक्स्ट स्टेशन है भरूच, जो आएगा 1400 मीटर्स के बाद। तो वेब 7 तो गुड्स एक्सप्रेस को लेके चली गई और हमारा तो बैठा ही, मतलब हम तो पीछे ही रह गया एकदम से। तो गाइस अभी हम ओवर स्पीडिंग होने से बाल बाल बच गए, मतलब देख ही सकते हो, मतलब 49 हो चुका था लेकिन मैंने देखा ही नहीं। तो देखा था कि मतलब मैंने ठीक से देखा नहीं और तो अचानक चौंक गया कि भाई 50 का स्पीड लिमिट नहीं तो। तो भाई देखा कि 120 का है तो मुझे मतलब शांत हुआ मेरा मन। तो 1000 मीटर्स के बाद आ जाएगा हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है भरूच। तो सामने एक लेवल क्रॉसिंग आ रहा है गाइस, देख सकते हो आप दूर से। सेम गाइस सेम वाला लेवल क्रॉसिंग जो भरूच से हम स्टार्ट करते हैं ना, वही वाला लेवल क्रॉसिंग है। तो गाइस इस ट्रेन में ना मतलब ऑन टाइम हो रहा है इस ट्रेन ना, मतलब पहली बार इस इंजन के साथ हमारा ऑन टाइम हुआ, क्योंकि देखो ये 100 का ऊपर तो नहीं जाती। इसलिए आप एक बार टाइम टेबल पे देख लो, बहुत ठीक ठाक आप समझ जाओगे कि क्या हुआ। मेन मतलब अभी बार जो है 4:51 और पहुँचना है 17 मतलब 17:00 मतलब 5 बजे 12 में। तो 50 का स्पीड लिमिट दे चुका है फोन बजा के, अब 50 कर देंगे। तो गाइस एक बात बोलना भूल गया कि हमारा जो ये इंजन है आप देख ही सकते हो कि वो शक्ति का है, मतलब ये जो इंजन करता है ना मतलब डीजल लोकोमोटिव, मतलब शायद कि इसका शक्ति का जो साइन दिया है मतलब शक्ति ने किया होगा, मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है ठीक से तो मुझे बोलना कमेंट बॉक्स में। तो गाइस 30 में कर देते स्पीड को तो फिर ऑन टाइम हो जाए, हो सकता है। नहीं गाइस 20 में करते हैं, 20 नहीं गाइस 17 में 15 ठीक है। नहीं गाइस उसके बाद भी नहीं होंगे गाइस, हम तो आर्ली होगा। तो हम भरूच में अभी अराइव कर रहे हैं, अभी तो कुछ ही सेकेंड्स के अंदर हम इसमें रुक जाएंगे। तो गार्ड जी तो हमको रेड झंडा दिखाई चुका है और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हम एंटर कर रहे हैं अभी। तो गाइस अर्ली हो चुका है, तो नेक्स्ट स्टॉप है सूरत। तो सूरत के लिए अभी डिबेट करेंगे गाइस। तो गार्ड जी जो अभी ग्रीन झंडा दिखाएगा, सिग्नल रेड सिग्नल तो ग्रीन हो गया गाइस, गार्ड जी को देखते हैं। तो गार्ड जी ग्रीन झंडा दिखा चुका है, तो सिंपली गाइस ग्रीन सिग्नल होगा तो गार्ड जी तो दिखाएंगे ही। तो गाइस 200 मीटर्स के बाद हमारा टैक्स चेंज होने वाला है, तो चलो पहले एक्सल को फुल कर देते, उसके बाद जब आएगा तो 40 कर देंगे। गाइस इस गाइस ओवरस्पीडिंग हो गया, मतलब देखा नहीं था। तो गाइस मतलब फिर से मनी हमारा बहुत कट हो रहा है। तो गाइस इस जो मतलब डीजल लोकोमोटिव है ना, सभी डीजल लोकोमोटिव में पावर ना बहुत ज़्यादा होता है। तो देखा ना मतलब जब भी मैं ज़ोर से एक्सीलेट किया, मतलब सभी इलेक्ट्रिक में क्या होता है कि उतना जल्दी भी नहीं होता, लेकिन सभी मतलब डीजल में अभी किया और जल्दी मतलब स्पीड रफ्तार पूरा पकड़ लिया। लेकिन इलेक्ट्रिक में नहीं होता गाइस, सिर्फ डीजल में ही होता है।
क्योंकि डीजल का पावर बहुत है। तो गाइस हमारा दूसरा वाला ब्रिज आ चुका है, सामने ही है। तो 1000 मीटर्स के बाद आ जाएगा हमारा सूरत। तो जो जो हमको सूरत से देख रहा है प्लीज़ बोलना। तो गाइस वही सेम वाला ब्रिज जो कि हम हमेशा क्रॉस करते हैं। तो गाइस आपको मतलब आप प्लीज़ बोलना कि कौन सा मतलब रूट करना चाहिए, तो हमारा तब हम खुद का ही मतलब एक बना के दे देंगे। तो 70 का स्पीड लिमिट आज आ रहा है सामने, तो गाइस 70 कर देंगे। तो गाइस आगे हमारा जो ट्रैक चेंज भी होने वाला है, तो 200 मीटर्स के बाद ही होने वाला है। तो बस सोच रहा हूँ कि 50, हाँ गाइस टाइम तो बहुत है, शायद 50 कर देते हैं। हाँ गाइस अभी 40 कर देते हैं, क्योंकि देखो सामने ही तो मतलब हमारा जो ट्रैक चेंज होने वाला है। तो ट्रैक चेंज आपको ऑर्बिट से दिखाएंगे, क्योंकि देखो जब ट्रैक चेंज हुआ तो आपको कैब व्यू था, तो आप चारों तरफ देख नहीं पाए। तो आपको ये दिखाऊंगा, बहुत अच्छा रहेगा गाइस। एकदम से राइट साइड मतलब लेफ्ट साइड में चला जाएगा एकदम से देखो। और सामने गाइस मतलब हम जिस ट्रैक में चल रहे हैं ना, अब एक चीज़ नोटिस करो कि स्टेशन में नोटिस करो, देखो एक ट्रेन वहाँ पे ना ऑलरेडी खड़ा है, ठीक है। तो उसको सिग्नल देने के लिए हमको ना लेफ्ट से राइट मतलब राइट से लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया। अब उसको देखो ग्रीन सिग्नल मिल गया गाइस, वो चल पड़ेगा। हाँ गाइस चल चुका है गाइस, डिपार्ट वो कर दिया पूरा। तो हम वो ट्रेन जिस ट्रैक पर था ना, वही ट्रैक पर हम थे, तो हमको साइड में करके उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया। तो अभी सूरत में हम एंटर कर चुके हैं, जो जो सूरत से हमको देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बोलना। गाइस बहुत बड़ा है गाइस स्टेशन, मैं ठीक से नोटिस नहीं किया, हर बार खेलता हूँ लेकिन ठीक से नोटिस नहीं किया। इस बार देखा तो भाई पूरा पूरा बहुत बड़ा है, और आगे की तरफ से शायद वेब 7 आ रहा है गाइस। अब दूर में देख सकते हो वेब 7 ही होगा गाइस, होगा गाइस मैं श्योर नहीं हूँ, देखते हैं रुको गाइस। हाँ गाइस वेब 7 के साथ पैसेंजर एक्सप्रेस दे दिया अभी भलसाद के लिए, मतलब भलसाद और जो हमारा लास्ट स्टॉप है, और वीडियो में एंड कर देंगे भलसाद पे ही। तो वो हमारा जो नेक्स्ट आएगा 1125 मीटर्स के बाद आ जाएगा भलसाद। जो 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 हमको भलसाद से देख रहा है तो प्लीज़ बोलना, मतलब अभी तो हम भलसाद में नहीं पहुँचे, तो पहले ही बोल देता हूँ कि जो जो हमको भलसाद से देख रहा है तो प्लीज़ बोलना कमेंट बॉक्स में। और गाइस प्लीज़ आपको जो बोला भाई प्लीज़ कि कहाँ से कहाँ मतलब कौन से रूट में कहाँ से कहाँ तक कस्टम मोड खेलेंगे ना, तो कहाँ से कहाँ तक करना चाहिए आप प्लीज़ बोलना, नहीं तो मैं कल को कर दूंगा, क्योंकि कल हमारा जो है कस्टम रूट आएगा। तो अभी ना अभी 50 हो जाता, मतलब पूरा 50 हो जाता, और हमारा ओवर स्पिनिंग भी हो जाता तो मनी भी काट होता। इतना दिनों तक भाई वह स्प्रिंग नहीं हुआ, लेकिन आज हो गया इसके वजह से, इस इंजन की वजह से, मतलब इंजन में बहुत दम है। तो गाइस राइट साइड से एक वेब 4 के साथ गुड्स एक्सप्रेस जा रहा है, आप देख सकते हो, तो चला गया हमको क्रॉस कर रहा है गाइस, क्रॉस कर रहा नहीं गाइस, क्रॉस करके चला गया हमसे। तो ये है हमारा जो रेलवे मतलब ट्रैक्स का ब्रिज, और राइट साइड में आप देख सकते हो रोड का ब्रिज, मतलब जो गाड़ी चलता है उसका, और इस ए ट्रेन का है, और वो ट्रक कार्स बसेस इस सब के लिए। तो आगे गाइस 70 का स्पीड लिमिट आ रहा है अभी, तो 70 भी कर देंगे, 100 तो हमारा है, तो 70 में कोई दिक्कत नहीं, मतलब जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो 70 भी हो चुका है, तो गाइस हमारा जो हो गाइस 50 भी हो गया। तो गाइस आप जानते हो कि बहुत अर्ली होता है हमारा, तो इस बार भी अर्ली हुआ, लेकिन पहले में आप अर्ली नहीं देख पाए, ऑन टाइम ही देख पाए गाइस। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ऑन टाइम मैं पहुंच पाया, लेकिन इसमें अर्ली हो चुका है गाइस। और भलसाद में हम एंटर करने वाले हैं अभी, तो मैंने जो बोला भाई जो जो आप भलसाद से देख रहे हो भाई प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बोलना।
हाँ ये भी भाई सूरत की तरह ही बहुत बड़ा स्टेशन है। मैं किया करो तो भाई 6 से नोटिस नहीं कर देना सभी स्टेशन को, तो भाई अभी नोटिस करने का मौका मिला, लेकिन भाई बहुत ही बड़ा है भाई, मतलब लंबाई में भी बड़ा बड़ा है और चौड़ाई में भी बड़ा है। लंबाई में तो हाँ गाइस बड़ा ही है। तो अभी हम भलसाद और हमारा जो एंडिंग स्टॉप है वो अभी को रुक चुके हैं गाइस अभी। हाँ तो डोर को ओपन कर दिया। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बोलना कि कहाँ से कहाँ तक करनी चाहिए। आज के वाले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।